प्रमोद कुमार यादव सर। यादव जी, आप यहाँ आए थे काम की तलाश में, लॉकडाउन के बाद ही फंस गए हैं, तो क्या काम की तलाश में हैं आप? काम की तलाश में आप यहाँ से भी जाएंगे तो किस दिन वहाँ रखते हैं, क्या फायदा जाके? यहाँ हम लोग रुक के चाहते हैं काम मिल जाए, काम करेंगे। अभी तो काम फिलहाल बंद ही है, आपको पता ही, हम लोग को काम मिल नहीं रहा है, ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं। तो काम की तलाश में गए थे आप इधर? काम की तलाश में जहाँ जहाँ कर रहे थे वहाँ भी बंद है, कह रहे हैं परमिशन मिल नहीं रहा, इस वजह से हम लोग बैठे ही है। तो बेरोजगार है अभी? जी। फूलचंद, क्या काम करते हैं आप? घिसाई काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद आपको काम नहीं मिल रहा है, आप काम की तलाश में घूम रहे हैं? सर, काम की तलाश में हम 2 महीने हो गया, काम नहीं मिल रहा है। तो अभी आप काम की तलाश में हैं? जी, अब मैं घर नहीं जाना चाह रहा हूँ, अब काम करना चाहता हूँ, काम मिल जाए तो। पर फिलहाल काम नहीं मिल रहा जी। कितने लोग होंगे ऐसे आपके साथ? हमारे साथ वही 2-3 लोग हैं, हम लोग काम करने वाले इस काम का। तो आप काम बाकी और तलाश में भी जा रहे हैं तो फिर भी काम नहीं मिल रहा? जी, काम नहीं मिल रहा। कितनी जगह गए आप? जी, कितनी जगह गए आप काम ढूंढने के लिए? काम तो 3-4 जगह गया, काम की बात ही नहीं बनी, काम ही नहीं हो पा रहा। क्या कारण बाद? आप लॉकडाउन के बाद आप काम नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरह की दिक्कत हो रही है? और आप घर जाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं? घर जाने, बाल बच्चे हैं सर, अभी घर भी कैसे जाना है? पैसे नहीं है, पैसे होता तो घर भी निकल जाता। अब यहाँ से नेपाल जाने के लिए पैसे कहाँ से मिले हमारे पास? तब इसलिए थोड़ा बहुत काम करके और पैसे वैसे कम है कि तब जाना पड़ेगा। अभी ऐसे अभी काम है कहीं? अभी कहीं नहीं है ना सर, बाजार बंद है। अब कितने महीने से काम नहीं मिल रहा आपको? हमको 2-3 महीने हो गया सर। तो काम की तलाश में है? हाँ, काम में है। मिल नहीं रहा? काम ही नहीं मिल रहा है, काम का है ना। अब सुबह आते बाजार में काम दाम नहीं मिल रहे, तो अभी इसलिए फिर मेरे में चल जाना पड़ेगा। मूल्य मूल्य में जाते हैं आप गैस कुछ भराने के लोग बोलते हैं तो? हाँ, तो कोई गैस भराने के लिए किसी ने बुलाया तो जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे किसी घर में घुसने नहीं देते। फिलहाल वैसे घूम रहे? हाँ, ऐसे घूम रहे। कितने लोग होंगे आप लोग? हम तो ऐसे 8-20 आदमी है हमारा शॉप, ये 12 बजे में जिनको काम नहीं मिल रहा। हाँ, काम ही नहीं मिल रहा। राशन रोशन तो है ना? राशन रोशन कहाँ से सरकार दे रहे थे सर, वर्षों भाड़ा 2-3 बार, फिर वहाँ से कहाँ दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? यार दर्शन नाम है। कहाँ रहते हो? इधर गुदवारे के पास रहता हूँ, इधर माता के कमरे में रहता हूँ। 1100 रुपये किराया, 2 महीने का किराया चढ़ गया मेरे ऊपर। राशन सिर्फ एक दफा दिया था, उसके बाद दिए ही नहीं, पहले कोई कुछ नहीं मिलेगा। जाओ भाग जाओ। और कौन कौन रहता है आपके? सिर्फ सर अकेले ही रहता हूँ भाई। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा जन्म हैदराबाद का, लेकिन मेरे माता पिता जो गुजर गए हैं, और मैं अकेला हूँ। मेरी एक बहन अमृतसर में रहती है, बड़ी वाली, छोटी वाली कानपुर में रहती है। अच्छा, अब लॉकडाउन खुलेगा, घर जाओगे यहीं रहोगे? अभी अभी तो 1-2 महीने काम मिले तो फिर उसके बाद जाऊँगा। मेरा नाम रामनाथ सहनी। कहाँ से हो? हम बिहार से रहने वाले हैं। कहाँ पर रहते हो? यहाँ गांधीग्राम में रहते हैं। गांधीग्राम में कितने लोगों का परिवार है? परिवार तो नहीं है, सिर्फ सिंगल आदमी, सब अलग अलग रहते हैं हमारा बंदा। अच्छा, घर क्यों नहीं गए तुम जब और लोग चले गए? घर गए जब तक गाड़ी खुलाई नहीं, तब घर कैसे जाऊँ? अब गाड़ी खुलेगी तो घर जाओगे या रहोगे? गाड़ी खुलेगा तो घर जाने के 17 तारीख को प्रयास मिलेगा। पर अभी काम ढूंढने के लिए आ रहे हो यहाँ पर? काम ढूंढने के लिए काम कर रहे थे, लॉकडाउन में मजदूरी कर रहे थे, बंद हो गया। आप घर बैठे हुए 2 महीने से हमें कुछ अभी तक कुछ नहीं। राशन रोशन का इंतजाम कहाँ से कर रहे हो? वही जो कमा रखे थे मजदूर, वही खा रहे हैं। 400 रुपये दिहाड़ी मिल रहे थे, वही जो बचा रखे थे वही खा रहे हैं।